क्या हाल है। तो फाइनली दोस्तों लियो का ट्रेलर आ चुका है। मुझे तो लगा था मतलब ये लोग ट्रेलर नहीं अब डायरेक्ट मूवी ही रिलीज करेंगे, या फिर हो सकता है कि ये लोग फिल्म के साथ ही ट्रेलर रिलीज कर दें, बट थैंक गॉड फाइनली इन्होंने ट्रेलर रिलीज कर दिया। तो कैसा है ये ट्रेलर, आइए बात करते हैं। वेल अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों कल शाम 6:30 बजे लियो का ट्रेलर आता है, और मजे की बात यह है कि लियो के ट्रेलर ने सिर्फ 5 मिनट में 1 मिलियन व्यूज पार कर लिए थे, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। खैर दोस्तों अगर बात करें लियो के ट्रेलर की, तो लियो का ट्रेलर बहुत ही कमाल का है। मतलब अगर आप लोग उसमें कमी ढूंढने के लिए जाओगे तो शायद ना मिले, तो कमी ढूंढने से अच्छा है उस ट्रेलर को एंजॉय कर लो। और भाई साहब मतलब थलपति विजय उफ, मतलब इनकी क्रेज के बारे में मैंने बस सुन रखा था बट आज देख भी लिया। मतलब आप ही सोचो कि किसी भी सुपरस्टार के लिए इतनी हाइप कैसे हो सकती है कि यार अनाउंसमेंट से पहले लोग उनके ट्रेलर का इस तरह से इंतजार करते हैं। मतलब इससे पहले SRK के जवान मूवी के लिए इतना हाइप मैंने देखा था, बट यार आपने एक बात गौर की, मतलब आप सोचो कि साउथ इंडिया में हो ही क्या रहा है। सारे जो यंगस्टर वाले डायरेक्टर है वो सारे कमाल लग रहे हैं यार। मतलब देखो कनकराज, लोकेश कनकराज और जो जेलर के जो डायरेक्टर थे वो भी, मतलब आप ही सोचो कि इन लोगों के दिमाग में इतने आउटस्टैंडिंग आइडियाज कैसे आ रहे हैं। एक जहां हमारा बॉलीवुड है जहां पर एक्शन सीन्स हो या फिर स्क्रीन प्ले हो, कुछ भी नया ट्राई करने के बारे में ये लोग नहीं सोचते। वही घसी पिटी एक्शन सीन्स दिखाएंगे, वही घसी पिटी कहानियां चलाएंगे, और अगर कहानियां नहीं मिली तो साउथ इंडिया में ट्राई करेंगे, बट कुछ भी वो लोग नया ट्राई नहीं करते। लेकिन वहीं अगर आप साउथ इंडिया में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लियो, विक्रम और ये सारे जो यूनिवर्स बन रहे हैं, ये जो जवान, ये सब आप देखो, ये जो यंगस्टर वाले डायरेक्टर आ रहे हैं यही ये सोच पा रहे हैं। शायद इसीलिए कहते हैं कि युवा को मौका दो, युवा क्या नहीं कर सकता। खैर दोस्तों आपने ट्रेलर में एक सीन देखा होगा जिसमें वो जो चेजिंग वाला सीन है, जो कि कार का चेजिंग है, चेज में आप देखो कि कितना दिमाग लगाया गया है। मतलब कैमरा को आगे दिखाया गया है ताकि जो कार का जो पलटने का तरीका है वो दिखाया जा सके, जो कि बिल्कुल नया सा लगता है, और VFX भी कमाल का लग रहा है। अब देखो मुझे तो कोई कमी दिखाई नहीं पड़ी, अगर आप लोगों को दिखी है तो कमेंट में लिख देना। खैर दोस्तों मेरे मन में एक डाउट आ रहा है, मतलब जब मैं ट्रेलर देख रहा था उसमें एक डायलॉग आया कि यार उसकी शक्ल मुझसे मिलती है तो मैं क्या करूं। मतलब मे भी क्या विजय थलपति का इसमें डबल रोल है, हो सकता है, और हो गया तो बहुत ही मजा आएगा। खैर दोस्तों 2.5 मिनट के इस ट्रेलर में प्लॉट बिना रिवील करते हुए ट्रेलर को इस तरह से काटा गया है कि कमाल लग रहा है। मतलब आपको बहुत कुछ दिखाया भी जाता है और आपको कुछ समझ में भी नहीं आता है कहानी के बारे में। और बात करें अगर इसके कास्ट की, तो कास्ट भी कमाल का है। विजय थलापति, त्रिशा, संजय दत्त और भी साउथ इंडिया के कमाल के एक्टर्स, तो इस मूवी में एक्टिंग के मामले में कोई भी गुंजाइश नहीं रहने वाली। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक यूनिवर्स का हिस्सा है और एक यूनिवर्स की ये तीसरी मूवी है। इससे पहले विक्रम और कैथी आ चुकी है जो कि इसी मूवी से कनेक्टेड है। तो जो भी सीन्स दिखाए जाएंगे बिल्कुल गौर से देखना, क्योंकि आगे चल करके हो सकता है यूनिवर्स में इन सब चीजों का खुलासा हो और कनेक्टिविटी आपको साफ साफ दिखाई। अब दोस्तों इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं ओवर एक्साइटेड इन द सेंस कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। तो फिर करते हैं 19 तारीख का इंतजार, देखते हैं लियो मूवी और उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसी है ये मूवी। वेल आपको लियो का ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय।